दिपायन बैनर्जी की परफॉर्मेंस को सुनकर जज हिमेश जी ने दिया उन्हें ये नया नाम। जी हाँ दोस्तों, संगीत का त्योहार शुरू हो चुका है और दिनांक 16 अक्टूबर से रात 9 बजे आएगी ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस कि आपका दिल जीत लेंगी। जी हाँ, भारत के कोने कोने से संगीत के रियलिटी शो सारेगामापा के मंच पर कई सारा टैलेंट देखने को मिलने वाला है। और ऐसा ही एक टैलेंट आता है कोलकाता से, जिनका नाम था दिपायन बैनर्जी। उम्र इनकी 29 साल थी और जब ये मंच पर आते हैं तो हिमेश जी इनके हाथों का टैटू देख लेते हैं और वो पूछते हैं कि ये टैटू क्या है। तो वो कहते हैं कि सर, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू है और ये मैंने गलती कर दी थी और उसके ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा दुख में चला गया था। और फिर जब वो परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रहती है उसे देखकर तीनों जजेस बस देखते रह जाते हैं। और इस परफॉर्मेंस के बाद हिमेश जी उन्हें एक नया नाम देते हैं। वो बोलते हैं कि ये आज से डेडली देवदास है। जी हाँ, इस तरह से अपनी पहली ही ऑडिशन परफॉर्मेंस से ये जजेस के दिलों पर छाप छोड़ चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या ये आगे के राउंड्स में सेलेक्ट हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों, क्या आपने इनकी ऑडिशन परफॉर्मेंस देखी? देखी तो कैसी लगी? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।